हिस्सेदारी की लड़ाई चाहता हूं और इस हिस्सेदारी की लड़ाई को जवाबदेही के साथ लड़ना हम चाहते हैं। इस चुनौती को स्वीकार करो। यहां कोई नेता नहीं है, यहां आने वाला हर शख्स हर महिला अपने आप में नेता है। और लड़ाई और चुनौती इस बात का है कि महिला जो रोजगार अपना दिन का रोजगार एक मासूम बच्चे के साथ इस प्रदेश में शुरू करती है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं, अपना खून जलाकर अपना बच्चों का पेट पालने के लिए संघर्ष करती है, लड़ाई उसके लिए है। लड़ाई इस बात के लिए है कि दुनिया की नजर में यह झारखंड खनिज संपदा के मामले में अमीर प्रदेश आंकड़ों के आधार पर है। हां, यह ताकत है, लेकिन आपने इस प्रदेश को किस रूप से देखा है? महिलाओं को किसी वस्तु के रूप में देखा है? इसीलिए तो कोयला लोहा के साथ साथ महिलाओं को भी ट्रेन से इस रूप से भेजा जाता है, इसका निर्यात इस रूप से होता है जैसे कोई यहां का कोयला और अन्य इस राज्य की संपत्ति को हम लोग भेजते हैं उस रूप से जाती है। लड़ाई इस बात का है, मैंने कल भी कहा था कि केरल की लड़कियां और महिलाएं जब घर से दूसरे प्रदेश में और दूसरे देश में जाती है तो या तो शिक्षिका बन के जाती है या नर्स बन के जाती है, ये न्यूनतम मापदंड है। लेकिन मेरी बेटी बहन जब यहां से जाती है तो कहीं ना कहीं किसी बड़े घर का दाई बन के जाती है, उससे ज्यादा ओहदा हमारा यहां पर नहीं बना है। लड़ाई इसके लिए, लड़ाई इस बात को लेकर है कि पलायन अगर इस बात को लेकर होता कि कौशल रूप से सुसज्जित महिलाएं किसी प्रदेश में नौकरी करने के लिए अगर जा रही है तो इज्जत से हम कह सकते थे, लेकिन वहां इज्जत नहीं बल्कि सम्मान पर ठेस पहुंचाने वाला हम अपने पेट पालने के लिए रोजगार के लिए इस तरह से काम करते हैं। हमें इन परंपराओं को खत्म करना होगा और ये सारी ताकत इस लोकतंत्र में है। मैं कोई दूसरे पंचायत और चुनावी पंचायत में जाऊं उससे पहले जरूरी है कि मन मस्तिष्क में एक उद्देश्य के साथ हम पहल करें ताकि हम अपने उद्देश्य से कभी भटक ना पाए, हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाए, इसलिए हमने इस लड़ाई का आह्वान किया है। मैंने लाखों महिलाओं से यहां जुटने के लिए इसलिए कहा कि लड़ाई हमारी नहीं, लड़ाई केवल राजनीति के शीर्ष बैठने वाले लोगों का नहीं, लड़ाई हमारा और आपका है और इस लड़ाई में हर किसी को समान भागीदारी निभानी होगी। इस लड़ाई के परिणाम में भी समान हक के साथ हमें आगे जाना होगा।